हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरे पीछे जो पिछले वीडियोस मैंने डाले हैं वो आपने देखे होंगे। और आप सभी बच्चे प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर वीडियोस। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक का फॉर क्लास 10th, एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो वेरी फर्स्ट पार्ट जो है एंड सेकंड पार्ट जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। आप उसको, उसके जो लिंक्स हैं वो आप नीचे सब देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टी फ्रॉम असम। तो ये जो तीनों ही पार्ट इसके जो है इंडिया के जो मेन ब्यूटीज़ हैं उनके ऊपर है। जैसे कि जो वेरी फर्स्ट पार्ट था वो भी इंडिया की ब्यूटी के ऊपर ही था, सेकंड कुर्ग है एंड थर्ड इज़ टी फ्रॉम असम। सो हम जो है ये जो पूरा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में अबेकर फ्रॉम गोवा है, कुर्ग है एंड टी फ्रॉम असम, ये तीनों ही चैप्टर्स बहुत ही मतलब वाकई में इंडिया की जो ब्यूटीज़ है या इंडिया से कोई चीज़ रिलेटेड है उसके बारे में है। ठीक है, तो ये लिखा है अरूप कुमार दत्त ने टी फ्रॉम असम। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अरूप जी ने जो है बताया है कि दो फ्रेंड्स हैं टी फ्रॉम असम में, टू फ्रेंड्स हैं, दे बोथ वर टॉकिंग अबाउट चाय, बट एक जो है, एक है प्रांजल और दूसरा है राजवीर। तो जो प्रांजल है वो वहीं रहता है और जो राजवीर है, वो गर्मियों की छुट्टी में प्रांजल के यहाँ पर जा रहा है घूमने के लिए। प्रांजल जो है वो असम में ही रहता है और बहुत सारी इनकी बातें होती है चाय के ऊपर, एंड वी ऑल्सो नो दैट जो चाय है वो असम से आती है और वहाँ की फेमस है, मतलब वहाँ के लिए फेमस है, वहाँ पर ये फेमस है। और वहाँ पर जहाँ तक आप देखेंगे चाय के बागान मिलेंगे आपको देखने के लिए, बड़े बड़े गार्डन मिलेंगे आपको देखने के लिए, बड़े बड़े बागान जो हैं वो बने हुए हैं वहाँ पर असम में। तो इस चैप्टर में चाय के ऊपर जो बात हो रही है वो है, कह सकते हैं चाय के ऊपर चर्चा। ठीक है, लेकिन फिर भी असम की ब्यूटी को भी यहाँ पर बताया गया है। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताऊंगी, इसके बाद में हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके वर्ड मीनिंग्स एंड एवरीथिंग वो आपके चैप्टर में टेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं एक छोटी समरी बता सकती हूँ थ्रू द पिक्चर्स, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। सो टू फ्रेंड्स हैं प्रांजल एंड, एक है प्रांजल और एक है राजवीर। सो प्रांजल और राजवीर जो है कहाँ जा रहे हैं, आसाम जा रहे हैं, क्योंकि प्रांजल जो है वो वहाँ पर रहता है। ठीक है, और राजवीर बहुत एक्साइटेड है वो ग्रीनरी और इनके बारे में देखने के लिए, और ये बहुत सारी बुक्स के थ्रू एंड सब कुछ एकदम अपना होमवर्क करके जा रहा है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि जो प्रांजल है वो वहीं पढ़ा है, वहीं बड़ा हुआ है, तो उसके लिए ये चीज़ नहीं नहीं थी। नाउ जो जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं तो प्रांजल जो है वो बिज़ी है अपनी बुक्स में। बुक किस चीज़ की है, ये बुक जो है वो जो स्टोरीज़ होती हैं, किस टाइप की स्टोरीज़ होती हैं, जो स्टोरीज़ होती हैं, जो कह सकते हैं डिटेक्टिव स्टोरीज़ होती हैं, उनमें वो बिज़ी है पढ़ने में, क्योंकि उसके लिए बहुत आम चीज़ है, वो हर बार जाता है, हर बार उसे वही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ही इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दीज ग्रीनरी एंड ऑल दीज थिंग्स, बट प्रांजल स्टिल वॉचिंग, बट राजवीर स्टिल वॉचिंग, सॉरी, पर ये राजवीर है जो अभी भी देखिए देख रहा है बाहर की तरफ विंडो से, और यहाँ की ग्रीनरी को है जो वो खुश होकर बहुत और इन्जॉय कर रहा है उसको। लेकिन आप देख सकते हैं प्रांजल जो है, वो क्या कर रहा है, प्रांजल ये है जो कि डिटेक्टिव स्टोरीज़ में क्या कर रहा है, बिजी है, डिटेक्टिव स्टोरीज़ की बुक पढ़ रहा है ये। ठीक है, नाउ जो वहाँ पर तभी एक अचानक से कोई जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट होता है चाय गरम, चाय गरम के साथ में, जब एक वेंडर जो है वो चाय देने आता है, और ये ट्रेन की बात है, जब लोग ये लोग ट्रेन में जा रहे हैं, तो ये ट्रेन में जो है सभी लोग बैठे हुए हैं जो चाय एंजॉय करते हैं, और जो कि प्रांजल है वो अपनी बुक देख रहा है, जबकि राजवीर वहीं ये सब चीज़ें जो है इसके ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, सो सभी लोग वहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, और सभी के हाथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय है, सभी चाय को एंजॉय कर रहे हैं। नाउ
प्रांजल राजवीर जो है वो उसके डिस्कशंस इन सब के बारे में है कि किस तरीके से जो है वहाँ पर बागान बने हुए हैं, जहाँ तक आंखें जाती हैं वहाँ तक बागान बने हुए हैं चाय के। और जब वो ट्रेन हिल स्टेशन से आगे बढ़ती है तो वहाँ पर बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। फिर जो स्टोरीज़ जो है चाय के बारे में कही जाती हैं कि चाय आखिर किसने डिस्कवर किया, किसने खोजा ये चाय, तो वो टू स्टोरीज़ बताता है कि हमारे यहाँ जो टू स्टोरीज़ हैं वो प्रचलित हैं। तो वो क्या टू स्टोरीज़ प्रचलित हैं, वो टू स्टोरीज़ फेमस है। एक तो ये है कि चाइनीज़ एम्परर के बारे में है, एक स्टोरी जो है वो इस किसके बारे में है, चाइनीज़ एम्परर के बारे में है। और एक जो है वो मॉन्क के बारे में है कि मॉन्क जो है बहुत स्लीपी फील करता था मेडिटेशन के टाइम पर, तो उसने अपनी जो आईलेट्स थी उनको कट कर दिया था। तो इस तरीके की एक स्टोरी वो सुनाता है। कौन सुनाता है, राजवीर सुनाता है, क्योंकि प्रांजल तो बिज़ी है। तो वो और वो सारी बातें वो यही बताता है कि किस तरीके से जो लीव्स हैं वो उगी हैं और किस तरीके से ये बागान है। तो वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर, सभी जो है डिस्कशन कर रहे हैं चाय के ऊपर। राजवीर, सभी राजवीर के फादर भी हैं वहाँ पर, सभी लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद में जब राजवीर के फादर जो है वहाँ पर, जो राजवीर के लोग जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो घर जा रहे होते हैं, तो वो रास्ते में जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो यहाँ के बारे में बात कर रहे होते हैं। बहुत इंजॉय कर रहा होता है राजवीर इन सब चीज़ों को देख करके। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। अभी ये मैंने आपको सिर्फ समरी बताई है, अब जो है हम वो चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर, पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रांजल यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज़ राजवीर क्लासमेट। प्रांजल जो यंगस्टर है आसाम का, राजवीर का क्लासमेट है एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल के फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। अपर आसाम में जो प्रांजल है उसके फादर मैनेजर हैं टी गार्डन में। प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड, प्रांजल ने इन्वाइट किया है राजवीर को अपने घर के लिए समर वैकेशन के टाइम पर। मतलब राजवीर जो है वो प्रांजल के घर जाता है और उसको इनवाइट किया है समर वैकेशन को स्पेंड करने के लिए, वहाँ पर जाता है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन दिस स्टोरी। नाउ वील स्टार्ट द स्टोरी। ओके, चाय गरम। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ट्रेन में सब बैठे हुए हैं, अचानक से एक वेंडर आता है जो बोलता है चाय गरम चाय गरम, आई शोड यू पिक्चर्स ऑल्सो। सो एक वेंडर कॉल आउट इन अ हाई पिच वॉइस, जोर से चाय गरम करके बुलाता है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब वो विंडो पे आता है और कहता है कि चाय साहब गिव अस टू कप्स। प्रांजल ने कहा हमें दो कप दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने वो स्टीमिंग हॉट लिक्विड को पिया। ऑलमोस्ट एवरी वन इन दैट कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, और सभी लोग कंपार्टमेंट में ऐसा ही शोन यू इन द पिक्चर कि हर कोई वहाँ पर चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो क्या तुम्हें पता है कि हर दिन 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पी जाती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, राजवीर ने कहा। अच्छा, एक्सक्लेम प्रांजल। प्रांजल थोड़ा एक्सक्लेम करते हुए आश्चर्य से बोलता है अच्छा, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, टी वाकई में इतनी पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, जो ट्रेन है वो स्टेशन पे से आगे बढ़ती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रांजल ने दोबारा अपनी नोज जो है वो अपनी डिटेक्टिव बुक में घुसा ली, मतलब कि वो बुक पढ़ने लग गया। राजवीर टू वॉज एडेंट फैन, राजवीर भी बहुत ज़्यादा एडेंट मतलब तक काफ़ी ज़्यादा फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का। लेकिन बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीन, लेकिन इस टाइम वो बहुत ज़्यादा कीनर, कीनर मतलब कीन होता है किसी चीज़ के लिए कीन होना, बहुत ज़्यादा इच्छुक होना, लुकिंग ब्यूटी सीनरी, वो ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा कीनर था उसके लिए, इच्छुक था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, ये हर जगह ग्रीन ग्रीन थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने कभी भी इतनी ग्रीनरी पहले नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेज, और उसके बाद में सॉफ्ट ग्रीन जो पैडी फील्ड थे, पैडी के जो फील्ड्स थे, उस उन्होंने जो है टी बुशेज को मतलब वहीं से होते हुए टी बुशेज के लिए रास्ता जाता था। अच्छा, पैडी मतलब होता है धान, ठीक है, तो होकर हल्के धान के खेतों से होकर के टी बुशेज के लिए रास्ता जाता था। इट वॉज मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट मतलब सुपर्ब, स्प्लेंडेड शानदार व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फॉर एज द आई कुड सी, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स, जो एकदम डेंसली वुडन हिल्स थी। अ सी ऑफ टी बुशेस मतलब कि एक समुद्र टी बुशेस का, अब यहाँ पर सी तो आपने सुना होगा वाटर का भी है, लेकिन यहाँ वर्ड यूज है मतलब बहुत ज़्यादा बुशेस जो है जहाँ तक आपकी आँखें देख सकती थी वहाँ तक वो बुशेस थी।
वो फैली हुई थी। तो जो जो घना जंगल था, जहाँ पहाड़ियों की जो एकदम जहाँ तक नज़र आती थी वहाँ तक जो है झाड़ियाँ दिख रही थी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, देन द ओके एंड ग्रीनरी बिफोर, देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडीफील्ड, अच्छा इट वॉज डन ओके, ड्वार्फिंग द टाइनी, अच्छा बौना करते हुए टाइनी, छोटा मतलब टाइनी टी प्लांट्स, छोटे छोटे टाइनी जो प्लांट्स को उनको ड्वार्फिंग मतलब बौना करते हुए क्या थे, वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, लंबे लंबे शेडिंग ट्रीज जो थे वो उन जो चाय के छोटे छोटे से प्लांट्स थे उनको बौना दिखा रहे थे। समझ रहे हो, आपके लंबे लंबे टॉल ट्रीज के आगे वो बहुत बौने दिख रहे थे। एंड एमिस द ऑर्डरली रो ऑफ बुशेज बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, ऐसा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मतलब लाइन से लगे हुए वो पेड़ जो है एकदम डॉल्स की तरह फिगर आउट हो रहे थे, ऐसा लग रहा जैसे डॉल्स की तरह हों वो बुशेज, उनके ऑर्डर में लगे हुए जो बुशेज थे वो। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी, और थोड़ी सी दूरी पर एक अगली सी बिल्डिंग थी, भद्दी सी बिल्डिंग थी, जिसमें से स्मोक जो है ब्लोइंग आउट मतलब कमिंग आउट ऑफ टॉल चिमनी से बाहर आ रहा था। हे टी ग्रीन, हे टी गार्डन, देखो उसने बोला टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली, बहुत प्रांजल, हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। अब जो है उसने चिल्लाया जोर से, लेकिन प्रांजल जो है जिस जो के पैदा हुआ था वहीं पला बड़ा था, उसने बिल्कुल अपनी उसकी एक्साइटमेंट शेयर नहीं की। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ, अच्छा ये टी कंट्री है अब, ही सेड, असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, ही सेड मतलब कि राजवीर सेड। ठीक है, असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, असम को, असम जो है लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है, लार्जेस्ट जाना जाता है प्लांटेशन के लिए, चाय के प्लांटेशन के लिए वर्ल्ड में जाना जाता है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, और तुम देखोगे इतने गार्डन जितने तुमने पूरी लाइफ टाइम में नहीं देखे होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मैं इतना पढ़ चुका हूँ टी के बारे में जितना कि मैं पढ़ सकता हूँ, राजवीर ने कहा। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर, बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, तो कोई नहीं जानता कि किसने डिस्कवर किया टी को, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कहावतें हैं, कहानियां हैं। व्हाट लेजेंड, अच्छा कौन सी कहानियां, वेल देयर इज द वन अबाउट चाइनीज एम्परर, एज आई टोल्ड यू कि चाइनीज एम्परर के बारे में एक जो है कहानी है, तो ये स्टोरी जो है वो सुनाता है कि चाइनीज एम्परर के बारे में, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, वो हमेशा ड्रिंक करने के लिए वाटर को बॉइल किया करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विक्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। सो कुछ जो जिससे जैसे पहले के टाइम में ना लकड़ियों से आग जलाई जाती थी, तो क्या हुआ कि जो आग जलाने वाली लकड़ियाँ थी उनसे कुछ पत्तियाँ टूट करके जो पानी गर्म हो रहा था उसमें गिर गई, और उसने एक बहुत डिलीशियस सा फ्लेवर आया। वन डे अ फ्यू लीव्स, कुछ लीव्स ऑफ ट्विक्स टहनियों की बर्निंग अंडर जो कि जल रही थी अंडर द पॉट, पॉट के नीचे जल रही थी, इन फेल इनटू द वाटर, वो धोखे से कुछ चिटपट आवाज़ हुई होगी तो उससे वो गिर गई और बहुत डिलीशियस फ्लेवर आया उसमें। इट इज़ सेड दैट दे आर टी लीव्स, ये कहा जाता है कि वो टी लीव्स हैं। टेल मी अनदर स्कफ्ड प्रांजल, प्रांजल एकदम खुश उसे कहा कि मुझे एक और दूसरी क्या है, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक और इंडियन लेजेंड है, इंडिया में कही जाती है अक्सर, इंडिया में यही बातें होती हैं जो आप आगे सुनोगे, कि बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्टिक, जो एक बौद्ध धर्म के एक एंशियंट बुद्धिस्ट थे, उन्होंने अपनी आईलेट्स काट दी, कट ऑफ हिज आईलेट्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, उनको बहुत नींद आती थी मेडिटेशन के टाइम पर, तो क्या हुआ कि उनकी जो 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलेट, उनके जो जहाँ आईलेट गिरे वहाँ पर 10 जो है टी प्लांट्स उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वेन पुट इन टू द हॉट वाटर, और जब ये जो टी प्लांट्स हैं ये जब हॉट वाटर में डाले गए, ड्रंक पिए गए, बैनिश्ड स्लीप, इन्होंने नींद जो है वो गायब कर दी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, ट्री जो है पहली बार चाइना में पी गई, राजवीर एडेड, राजवीर ने कहा एज फार बैक एज 2700 BC में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, जैसे कि इनफैक्ट जो शब्द भी देखो कैसे, टी चाय चीनी, आर फ्रॉम चाइनीज, मतलब यही माना जाता है ना, च चाइनीज। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, यूरोप में टी कब आई,
सिक्सटीन सेंचुरी में एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बेवरेज। और ये पी जाने लग गई किस तरीके से, एक एक मेडिसिन के तरीके से, मोर देन बेवरेज, मतलब बेवरेज से ज़्यादा कहीं ये मेडिसिन के तरीके से पी जाने लग गई। ठीक है, द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू अ मैरिनी जंक्शन में जो है वहाँ पर रुकती है, एंड सो जो ट्रेन है वो मरियनी जंक्शन पर रुकती है। देख उन लड़कों ने कलेक्टेड देयर लगेज, अपना लगेज कलेक्ट किया एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और अपना रास्ता जो है मतलब आगे की तरफ बढ़े जहाँ पर क्राउडेड प्लेटफॉर्म था। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट्स जो है वो वेट कर रहे थे। सॉरी आई फॉरगेट कि मैंने वहाँ पर उनके फादर को भी ऐड कर लिया था, बट फादर नहीं थे, वो लेने आए थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकिया बारी, ठीक है, जल्दी ही वो जो है डेकिया बारी की तरफ चले हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, टी गार्डन जो है वो मैनेज किया जाता है, संभाला जाता है प्रांजल के फादर के द्वारा। एंड एन आर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और थोड़ी सी देर में जो कार है वो तेज़ी से अंदर की तरफ घुसी, वियर्ड मतलब तेज, वियर्ड मतलब होता है तेज़ी से अंदर की तरफ घुसी, कहाँ पर, ऑफ द मेन रोड, मेन रोड से निकलते हुए, शार्पली ऑफ द मेन रोड मतलब मेन रोड से कटते हुए जो है तेज़ी से जो है दूसरी, उसने मेन सड़क से दिशा बदली, ठीक है, अपनी जो मेन सड़क जा रही थी उसे रोड जो है अंदर की तरफ ली उसने गाड़ी जो है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने एक कैटल ब्रिज क्रॉस किया, एंड एंटर्ड डाकियाबारी टी स्टेट, और वो डाकियाबारी टी स्टेट में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ बुशेज, और दोनों साइड जो रोड थी वो दोनों साइड जो, और ग्रेवल रोड मतलब होता है जो ये अपनी जो ये वाली बनी होती है ना रोड बजरी वगैरह की, ग्रेवल मतलब उसी वही होता है जो रेता बालू ये सब चीज़ें उसकी बनी हुई रोड थी। वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, वहाँ पर कई मतलब बहुत दूर दूर तक वहाँ पर चाय की बुशेस थी, ठीक है, एंड ऑल नीटली प्रूंड टू द सेम हाइट, और सभी नीटली जो है काटी गई थी। प्रूंड मतलब होता है प्रूंड मतलब हुआ कि कतरना, मतलब जो एक एक जैसे एक साइज़ का होता है ना वो एक साइज़ का नीटली काटा गया था टू द सेम हाइट का। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और जो ग्रुप्स से जो टी प्लकर्स के जो ग्रुप थे लोग जो टी तोड़ते हैं, विद बॉम्बू बास्केट, वो बॉम्बू बास्केट के साथ थे, मैंने आपको दिखाया था पिक्चर में, ऑन देयर बैग्स अपने बैग्स पर थे, बैग्स पर उन्होंने बॉम्बू बास्केट रखे हुए थे, उन पर टी प्लग करके वो डाल रहे थे। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, उन्होंने प्लास्टिक का एप्रॉन आगे पहना हुआ था। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को वो तोड़ रहे थे। अब प्रांजल के फादर ने, प्रांजल के फादर शोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, अब उन्होंने जो है थोड़ा सा स्लो किया अपनी गाड़ी को एक ट्रैक्टर को आगे जाने के लिए। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, और एक जो वो ट्रेलर लोड था उसमें टी लीव्स थी, मतलब उस ट्रैक्टर जो उन्होंने जाने के लिए कहा वो क्या था, वो लेके जा रहा था क्या, पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टू लीव्स, सॉरी टी लीव्स, टी लीव्स की पत्तियाँ उस पर लोड थी, उसे उन्होंने टू पास मतलब जाने के लिए वो थी, तो उन्होंने उनके प्रांजल के पापा ने थोड़ी सी गाड़ी जो है स्लो की और उस ट्रैक्टर को अलाउ किया जाने के लिए। दिस इज़ द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउट और स्प्राउटिंग पीरियड, तो उसने बोला राजवीर ने कि ये जो है सेकंड मतलब जैसे दो बार उगाई जाती है, जैसे कोई कोई खेती होना है इसके बाद में ये खेती होती, तो उन्होंने ये हो सकता है साल में दो बार उगाई जाती हो, तो उसने पूछा कि सेकेंड फ्लश है ये दूसरी बार का है या स्प्राउटिंग पीरियड दूसरा है क्या ये, Isn't it मिस्टर बरुआ, तो उससे बोला कि मिस्टर बरुआ क्या ये दूसरी बार का जो है स्प्राउटिंग पीरियड है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, और ये जो है मे से जुलाई तक चलता है। एंड ईट्स द बेस्ट टी, और जो है वो क्या देता है अच्छी पैदावार देता है, ईल्ड द बेस्ट टी जो हम लोग को देता है, हमें जो है देता है या ना कह सकते हैं कि प्रदान करता है, देता है द बेस्ट ही देता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, प्रांजल के फादर कहते हैं अच्छा, बहुत सरप्राइज हो गए, कहते हैं कि इतनी सारी बातें पता है, तो उसने बोला अच्छा तुमने होमवर्क बहुत अच्छे तरीके से किया है बिफोर कमिंग, आने से पहले, मतलब तुमने प्रॉपर नॉलेज जो है वो चाय के बारे में पता कर लिए और आसाम के बारे में पता कर लिए। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने एडमिट किया, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मुझे और सीखना है, मतलब आई होप जो है मैं यहाँ पर रहूँगा तो मैं और भी ज़्यादा इससे सीख जाऊँगा।
सो आई होप आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। टी फ्रॉम असम, हैव अ लुक अगेन ऑन दोज पिक्चर्स। देखिए बास्केट लगी हुई हैं उनके बैग पे और ये लोग टी लीव्स लगा रही हैं। आगे एप्रन पहना हुआ है इन्होंने। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। प्रांजल जो है डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ रहा है एंड जो राजवीर है ही इज़ लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द विंडो एंड चाय वाला वहाँ पर चाय लेके आता है। ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती है और वो इन्जॉय कर रहा है ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को। पीपल आर डिस्कसिंग, पीपल आर टॉकिंग, दे बोथ आर टॉकिंग, इवन राजवीर इज़ ओनली टॉकिंग एक्चुअली अबाउट टी। और वो दो स्टोरी सुनाता है जो चाइनीज एम्परर और बुद्धिस्ट की होती हैं, मॉन्क की होती हैं। सी पीपल हैव, देखो इस तरीके से ये लीव्स की बात होती है एंड पीपल टॉकिंग अबाउट। सो अभी राजवीर और प्रांजल जो है जा रहे हैं और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई होप बहुत अच्छे से आपने समझा है। दिस इज़ द एंड नाउ, वी हैव डन ऑल थ्री पार्ट्स। आपको अगर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देखते हो तो आप लिंक पर प्रेस कर सकते हो जो गिवन है नीचे, और पूरी स्टोरीज पढ़ो। आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, उनको मुझे भेज सकते हो। लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है आपको। थैंक यू सो मच।